हाय एवरीवन, आई एम अदिति राणा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, ही स्पोक फॉर मोर देन वन आवर। व्हाट काइंड ऑफ वर्ब इज स्पोक इन द अबव सेंटेंस। ये आपको सेंटेंस दिखाई दे रहा है कि वो एक घंटे से ज़्यादा बोलता रहा, तो यहाँ पे जो स्पोक वर्ड है वो क्या है, क्या वो ट्रांजिटिव है या फिर वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, तो जब भी सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है और उसके बाद कोई भी प्रीपोजिशन आता है तो हमेशा वो वर्ब कौन सी होती है, इनट्रांजिटिव वर्ब होती है। अब हम इस सेंटेंस को दोबारा देखेंगे। तो हमने क्या देखा, सब्जेक्ट आ रहा है, वर्ब आ रहा है और उसके बाद प्रीपोजिशन आ रही है फॉर। ठीक है, इसलिए ये कौन सी वर्ब हो गई, यहाँ पे हो गई इनट्रांजिटिव वर्ब। सही आंसर है इनट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट बात करेंगे, वन हु स्पेशलाइज इन द स्टडी ऑफ बर्ड इज कॉल्ड डैश। वो व्यक्ति जो चिड़ियाओं से संबंधित पढ़ाई करता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट। ठीक है, क्योंकि ऑर्निथोलॉजी होती है स्टडी ऑफ बर्ड, यानी कि चिड़ियाओं के बारे में पढ़ना, सारे एस्पेक्ट्स को पढ़ना कि चिड़ियाओं किस तरह की आवाज़ करती हैं, किस तरीके से उड़ती हैं अलग अलग पैटर्न में, उनकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी होती है, कैसे दिखती हैं डिफरेंट डिफरेंट चिड़ियाएँ, और माइग्रेशन कब करती हैं, कब मौसम बदलने पर एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, ये सारे पैटर्न्स को पढ़ना ही कहलाता है ऑर्निथोलॉजी, यानी कि पढ़ाई करना चिड़ियों से संबंधित। ठीक है, बात करते हैं, द स्काई वॉज ओवर कास्टेड विद क्लाउड्स। जो आसमान था वो बहुत ज़्यादा बादलों से भरा हुआ था। तो यहाँ पे एरर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, वॉज ओवरकास्ट या फिर हैड ओवरकास्ट। ठीक है, आपके पास दो ऑप्शन है, तो यहाँ पे आएगा वॉज ओवरकास्ट। क्यों, क्योंकि वॉज तो सही लगा हुआ है, वर्ब तो सही है, लेकिन जो ओवरकास्ट है ना, जैसे कट आपका होता है सीयूटी कट, इसकी वर्ब की तीनों फॉर्म फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या होती है, कट कट कट। सेम वे ओवरकास्ट जो है ना, इसकी तीनों फॉर्म क्या होंगी, ओवरकास्ट ओवरकास्ट ओवरकास्ट। इसलिए यहाँ पे आप इसे सही करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड जेनरस। जेनरस का मतलब होता है दयावान या उदार। तो हमें एक ऐसा वर्ड ढूंढना है जो सेम मीनिंग हो, जिसका मतलब सेम हो। ठीक है, तो टिम्ड मतलब होता है डरपोक, यानी कि ये आपका आंसर नहीं है। सेकंड है बेनिवोलेंट, इसका मतलब होता है दयावान उदार, यानी कि ये वो वर्ड है जो कि सिमिलर है जेनरस वर्ड के। नेक्स्ट बात करते हैं, देर इज नथिंग क्वाइट मिसरेबल देन लिटरेसी इन यूथ। अगर युवा वर्ग शिक्षित नहीं है तो इससे बुरी और कोई बात नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, एज मिसरेबल या फिर मोर मिसरेबल। तो सही आंसर होगा क्वाइट मिसरेबल को हम रिप्लेस करेंगे मोर मिसरेबल से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देखो देन आया है, देन यानी कि कंपेरेटिव डिग्री आई है, इसका यूज़ हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोर मिसरेबल देन लिटरेसी इन यूथ। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, फाइंड आउट द एडजेक्टिव अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन। दो ऑप्शन है, गॉर्जियस और पेडिग्री। पेडिग्री क्योंकि डॉग का खाना होता है, इसलिए गॉर्जियस यहाँ पे क्या है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये सुफिक्स लगा है, तो गॉर्जियस यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एंड में OUS लगा है, जैसे फेमस हो गया, करेजियस हो गया, इस तरीके से सुफिक्स लगा के हम बना सकते हैं एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट बात करते हैं, हिज प्रपोजल वॉज नॉट डैश टू मी। तो यहाँ पे आंसर आएगा, उसका प्रपोजल क्या हुआ, अडेप्ट नहीं किया मैंने या फिर एक्सेप्ट नहीं किया। तो यहाँ पे आएगा एक्सेप्टेबल टू मी, मुझे उसका प्रपोजल स्वीकार नहीं था। ठीक है, तो एक्सेप्टेबल आएगा, जिसका हिंदी में मतलब होता है स्वीकार। नेक्स्ट बात करते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग एडजेक्टिव इनटू इट्स नेगेटिव फॉर्म बाय एडिंग द करेक्ट प्रीफिक्स बिफोर देम। यहाँ पे कुछ एडजेक्टिव होंगे, उन्हें हमें नेगेटिव फॉर्म बना देना है उनके आगे कोई प्रीफिक्स लगा के। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ मैच्योर, ठीक है, तो ये एडजेक्टिव है, अब हम इसे नेगेटिव कैसे बनाएंगे, क्या लगा दें, आगे आई एम लगा दें या डिस लगा दें। तो अगर आई एम लगा देंगे तो ये हो जाएगा इमैच्योर। ठीक है, इमैच्योर सही आंसर है। बाकी एग्जाम्पल है, जैसे पॉसिबल है, इसका नेगेटिव बनाना है तो आई एम लगा दो, इम्पॉसिबल हो जाएगा। पोलाइट है, आई एम लगा दो तो इसका नेगेटिव वर्जन आ जाएगा, यानी कि impolite। ठीक है, सेम पैटर्न में एक और क्वेश्चन है, रिलीजियस एक एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे हम क्या लगा दें, उसके आगे आई एन लगा दें या आई आर लगा दें, जो हम उसका नेगेटिव वर्जन बना दें। तो यहाँ पे हमें लगाना है आई आर, उससे हो जाएगा इररिलीजियस। ठीक है, और ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये इमेज ध्यान से देखिए, इररिलीजियस होगा। ठीक है, आई आर लगेगा आगे। नेक्स्ट बात करते हैं, टॉलरेंट एक वर्ड है, उसके आगे हम क्या लगा दें कि उसका नेगेटिव वर्जन आ जाए, इन लगा दें, आई एन या यू एन। ठीक है, तो सही वर्ड होगा आई एन, इनटॉलरेंट बन जाएगा। ठीक है, इनटॉलरेंट। ओके, क्वेश्चन, रिमेंबर डैश योर टेम्पर इवन वेन प्रवोक। तो यहाँ पे क्या आएगा, नॉट टू लूज या नॉट टू लॉस्ट। लॉस्ट का मतलब होता है खोना, इसलिए ये ऑप्शन गलत है, पहला वाला सही है, नॉट टू लूज, कभी भी अपना धैर्य ना खोएं, चाहे आपको कितना भी उकसाया जाए। ठीक है, तो नॉट टू लूज, कभी भी नहीं खोना है। रिमेंबर नॉट टू लूज योर टेम्पर इवन वैन प्रवोक्ड। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज वन मैंस मीट इज अनदर मैंस पॉइजन। एक आदमी का मांस दूसरे के लिए जहर है। तो यहाँ पे एक प्रोवर्ब दी हुई है, तो पूछा यहाँ पे व्हाट क्या है, इस सेंटेंस में व्हाट क्या है, क्या ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है या फिर रिलेटिव प्रोनाउन है। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि यहाँ पे दो सेंटेंस उन्हें जोड़ के प्रोवर्ब बना दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज डन कांट बी अनडन। तो यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन है व्हाट में, तो यहाँ पे भी रिलेटिव प्रोनाउन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन शो किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की, वन डज नॉट नो व्हाट इज फेथ इज। व्हाट काइंड ऑफ प्रोनाउन इज वन इन दिस सेंटेंस। ये जो सेंटेंस है इसमें वन कौन सा प्रोनाउन रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या इंडेफिनिट रिप्रेजेंट कर रहा है या डिस्ट्रीब्यूटिव। तो यहाँ पे इंडेफिनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि हमें नहीं पता किस वन की बात हो रही है। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं, दोज हु लिव डैश हाउसेज शुड नॉट थ्रो डैश एट अदर, जो लोग कांचों के घर में रहते हैं उन्हें दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। तो सही ऑप्शन है जो लोग दोज हु लिव ग्लास हाउसेज शुड नॉट थ्रो स्टोन एट अदर्स। ठीक है, नेक्स्ट है द डैश थिंकर्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन प्रोपोगेटिंग डैश आइडियाज अमंग मासेस। जो ओरिजिनल थिंकर्स होते हैं ना वो साधारण आइडियाज लोगों के अंदर नहीं डालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग, और ये इंपॉर्टेंट है, फैक्ट वर्ड का अपोजिट वर्ड क्या है, तो फैक्ट का अपोजिट होता है फिक्शन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग, आपको एक वर्ड दिया है प्रूडेंट, प्रूडेंट का मतलब होता है बुद्धिमान, तो ऐसा वर्ड ढूंढो जो बिल्कुल इसके अपोजिट हो, इसके विपरीत हो, तो वो वर्ड होगा सिली। ठीक है, सिली का मतलब होता है मूर्ख। नेक्स्ट बात करते हैं, फॉर 5 ईयर्स ही हैज़ बीन डैश टू हाउस, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, दो ऑप्शन है, अटैच या कन्फाइंड। क्या वो 5 साल तक अपने घर से बहुत ही जुड़ा हुआ था, या फिर वो अपने घर तक सीमित था, घर के अंदर ही कन्फाइंड था, बंद था। तो सही आंसर है कन्फाइंड, यानी कि सीमित। फॉर 5 ईयर्स ही हैज़ बीन कन्फाइंड टू हाउस। ठीक है, नेक्स्ट, आई एम न्यू हेयर आई एम नॉट डैश विद दिस एरिया, क्योंकि मैं यहाँ नया हूँ। तो दो ऑप्शन है, क्या मैं यहाँ पे एक्वेंटेड नहीं हूँ, यहाँ की चीज़ों से परिचित नहीं हूँ, या फिर यहाँ पे कंसिस्टेंट हूँ, यानी कि यहाँ पे लगातार हूँ। तो ऑप्शन बी सही है, मैं यहाँ की चीज़ों से परिचित नहीं हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजू ही इज़ एंडोर्ड डैश मैनी ग्रेट क्वालिटीज़, राजू के अंदर बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ है। तो जब भी बात होती है एंडोर्ड की, तो इसके साथ हमेशा विद का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो राजू इज एंडॉर्ड विद मैनी ग्रेट क्वालिटीज, उसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रेट क्वालिटीज़ भरी हुई हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, गौतम रिसेंटली डैश फ्रॉम द अटैक ऑफ मलेरिया, तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, क्या होगा, स्केप्ड या रिकवर्ड। तो यहाँ पे जब भी बीमारी होती है तो हम बीमारी से धीरे धीरे रिकवर करते हैं, तो सही आंसर होगा गौतम रिसेंटली रिकवर्ड फ्रॉम द अटैक ऑफ मलेरिया। नेक्स्ट बात करते हैं, द स्काई ग्रो डार्क, व्हाट काइंड ऑफ वर्ब इज ग्रो इन दिस अबव सेंटेंस। यहाँ पे लिखा है ना कि जो आसमान था वो धीरे धीरे डार्क हो गया, तो यहाँ पे ग्रो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रिडिक्शन। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, अंत तक देखने के लिए शुक्रिया।